गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन कंप्यूटर क्लास। आज करेंगे हम फोर्थ लेसन की एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? आंसर, ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है सॉफ्टवेयर है, दैट हेल्प्स टू ऑपरेट द कंप्यूटर सिस्टम। इट कंट्रोल्स एंड मैनेजेस द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये हमारे कंप्यूटर सिस्टम को कंट्रोल भी करता है और मैनेज भी करता है इसके सभी पार्ट्स को, इसकी सभी फाइल्स को। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द यूज ऑफ गैजेट्स इन एमएस विंडोज? गैजेट्स का क्या यूज है एमएस विंडोज में? आंसर, गैजेट्स आर द स्मॉल प्रोग्राम्स दैट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एट ए ग्लैंस एंड इजी टू फ्रीक्वेंटली यूज टूल्स। जो गैजेट्स होते हैं वो स्मॉल प्रोग्राम्स होते हैं, हम उन्हें एक बार में ही तत्काल, जिसे कहते हैं इजीली फ्रीक्वेंटली, उन टूल्स को यूज करके काम कर सकते हैं, उन्हें देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल कैलेंडर और क्लॉक, जो हमारे गैजेट्स हैं वो हम डेस्कटॉप पर ही सेट कर देते हैं। अगर हम क्लॉक लगाते हैं डेस्कटॉप पर तो हमें टाइम हमेशा शो होता रहेगा। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज एन आइकन? आंसर, आइकन इज ए स्मॉल पिक्चर्स दैट इज यूज टू ओपन ए प्रोग्राम फाइल्स और फोल्डर। आइकन जो होती है हमारी स्मॉल पिक्चर होती है, किसी भी प्रोग्राम को, फाइल को और फोल्डर को इसमें हम ओपन कर सकते हैं। अगर हमारी फाइल है तो हम फाइल ओपन कर सकते हैं, फोल्डर है तो फोल्डर ओपन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल रिसाइकिल बिन आइकन, कंप्यूटर आइकन, यह हमारी बाय डिफॉल्ट आइकन्स हैं। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, राइट द नेम्स ऑफ एनी थ्री ऑपरेटिंग सिस्टम। आंसर, एमएस विंडो 95, आप यहां विंडो की कोई भी सीरीज, कोई भी वर्जन लिख सकते हैं। डोस, यूनिक्स, लाइनिक्स, यह हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम है। आप इनके अलावा और भी जो हम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं वह लिख सकते हैं। क्वेश्चन 5, हाउ टू ओपन द एक्सेसरीज मेन्यू? एक्सेसरीज मेन्यू हम कैसे ओपन करते हैं? दीज आर द स्टेप्स टू ओपन द एक्सेसरीज मेन्यू। यहां कुछ स्टेप्स दिए गए हैं। स्टेप 1, क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन। स्टेप 2, क्लिक ऑन द ऑल प्रोग्राम्स। स्टेप 3, क्लिक ऑन एक्सेसरीज। हमें सबसे पहले स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है, ऑल प्रोग्राम्स पर क्लिक करना है, उसके बाद फिर एक्सेसरी मेन्यू हमें सिलेक्ट करके क्लिक करते ही हमारा एक्सेसरी मेन्यू ओपन हो जाएगा। देन एक्सेसरी मेन्यू विल ओपन्स अप। अब हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज। क्वेश्चन भी है हमारा, फिलिंग द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। हमें यहाँ बॉक्स में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं और इनकी हेल्प से हमें ये फिलअप्स फिल करने हैं। नंबर 1, ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट्स एज एन डैश बिटवीन कंप्यूटर हार्डवेयर एंड यूजर। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर हार्डवेयर और यूजर के बीच में इंटरफेस का काम करता है, तो हम फर्स्ट में फिल करेंगे इंटरफेस। नंबर 2 है, डैश इज ए स्मॉल पिक्चर। नंबर 2 है, डैश इज ए स्मॉल पिक्चर दैट इज यूज टू ओपन ए प्रोग्राम्स फाइल और फोल्डर। हम यहाँ फिल करेंगे आइकन। आइकन इज ए स्मॉल पिक्चर दैट इज यूज टू ओपन ए प्रोग्राम्स फाइल और फोल्डर। नंबर, इन ऑर्डर टू ओपन एनी एप्लीकेशन और प्रोग्राम, डैश ऑन इट्स आइकन। हमें किसी भी प्रोग्राम और एप्लीकेशन को ओपन करने के लिए उस आइकन पे क्या करना पड़ता है? डबल क्लिक। तो हमारा थर्ड है डबल क्लिक। नंबर 4 है, डैश डिस्प्लेज द करंट डेट एंड टाइम। करंट डेट और टाइम डिस्प्ले करती है हमारी सिस्टम ट्रे। हम यहाँ सिस्टम ट्रे लिखेंगे। नंबर 5 है, ए लॉन्ग बार एट द बॉटम ऑफ द डेस्कटॉप इज कॉल्ड टास्क बार। हम यहाँ टास्क बार फिल करेंगे। सी क्वेश्चन है हमारा, मैच द फॉलोइंग। हमें ए कॉलम को बी कॉलम से मैच करना है। नंबर 1 है हमारा विंडोज 7। विंडोज 7 जो है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, हम ऑपरेटिंग सिस्टम से मैच करेंगे। नंबर 2 है,
स्मॉल पिक्चर्स हमारी आइकन होती है, हम आइकन से मैच करेंगे। नंबर थ्री है हमारा सीपीयू मीटर हमारे गैजेट्स हैं। और नंबर फोर है बैकग्राउंड पिक्चर से हमारी वॉलपेपर। और नंबर फाइव है हमारा सिस्टम ट्रे हमें डिस्प्ले करते हैं करंट डेट एंड टाइम। हमने मैच की कॉलम कर लिए हैं। अब है हमारा क्वेश्चन सी, दोबारा दिया गया है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, हम इसे सी वन कर लेंगे। टिक द करेक्ट ऑप्शन, टिक। हम इसमें हमें एक क्वेश्चन दिया गया है और चार ऑप्शन दिए गए हैं, जो राइट आंसर है हमें उसे टिक करना है। नंबर वन है हमारा विच वन ऑफ दिस इज ए स्मॉल प्रोग्राम ऑन द डेस्कटॉप। डेस्कटॉप पर स्मॉल प्रोग्राम्स क्या होते हैं, जहां हमें गैजेट्स, टास्क बार, कैलकुलेटर और टाइटल बार दिया है। तो जो गैजेट्स होते हैं वे डेस्कटॉप पर हम सेट कर सकते हैं, स्मॉल प्रोग्राम्स होते हैं ये, जिन्हें हम इंस्टेंट देख सकते हैं। नंबर टू है द बैकग्राउंड पिक्चर ऑफ विंडोज डेस्कटॉप इज नोन एज डैश। आइकन बैकग्राउंड नो, टास्क बैकग्राउंड नो, डेस्कटॉप बैकग्राउंड यस। बैकग्राउंड पिक्चर्स होती हैं वह आपकी डेस्कटॉप बैकग्राउंड होती हैं। नंबर फोर है ए लॉन्ग बार एट द बॉटम ऑफ द डेस्कटॉप इज कॉल्ड। जो लॉन्ग बार होता है बॉटम पर डेस्कटॉप में, वह क्या कहलाता है? आइकन्स नहीं, आइकन्स तो स्मॉल पिक्चर्स होती हैं। फोल्डर नहीं, फोल्डर हम फाइल्स रखने के लिए यूज करते हैं। उसके बाद है थर्ड नंबर हमारा टास्क बार, यस। टास्क बार जो होता है वह आपके कंप्यूटर में स्क्रीन पर सबसे लॉन्ग बार होता है। अब नंबर फोर है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्प्ले द करंट डेट एंड टाइम। करंट डेट एंड टाइम कौन डिस्प्ले करता है, यह हमारा मैच थ्री कॉलम्स में भी आया है और लेसन में भी हमने रीड किया है। जो सिस्टम ट्रे है वह हमारी डेट एंड टाइम डिस्प्ले करती है। अब हम करेंगे फोर्थ क्वेश्चन, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। नंबर वन है ए लॉन्ग बार एट द बॉटम ऑफ द डेस्कटॉप इज कॉल्ड क्विक लॉन्च बार। फॉल्स है, क्योंकि जो लॉन्ग बार होता है वह हमारा टास्क बार होता है। नंबर टू है आइकन्स आर स्मॉल प्रोग्राम्स दैट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन एट ए ग्लैंस। जो हमें ग्लैंस यानी कि झलकियां दिखाती हैं अपने प्रोग्राम्स की, वो आइकन ही गैजेट्स होती है, तो यह भी हमारा फॉल्स है। नंबर थ्री है यू कैन चेंज द पोजिशन ऑफ द टास्क बार, यस वी कैन डू इट। हम टास्क बार की पोजिशन को चेंज कर सकते हैं, तो यह हमारा ट्रू है। नंबर फोर है कैलकुलेटर इज यूज टू डू कैलकुलेशन, यस कैलकुलेटर हम कैलकुलेशन के लिए ही यूज करते हैं, तो यह हमारा ट्रू है। नंबर फाइव है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम हैज मैनी फ्लेवर्स कॉल्ड वर्जन्स, यस यह हमारा ट्रू है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट विंडो के बहुत से वर्जन्स हैं हमारे पास, 95, 98, विंडो विस्ता, XP। तो हमारा लेसन कंप्लीट हुआ, थैंक यू।